गोलीमाल की कहानी आपने पढ़ी और सुनी होगी, जो लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला पहनता था। बाद में भगवान बुद्ध की शरण में आने के बाद वह बौद्ध भिक्षु बन गया। श्रावस्ती में डाकू अंगुलीमाल की गुफा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हालांकि बौद्ध अनुयायी अंगुलीमाल को डाकू मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि कौशल राज के राज पुरोहित का बेटा था वह। गुरु दक्षिणा देने के लिए गुरु के निर्देश पर वह लोगों की उंगलियां काट कर उनकी माला पहनता था। 99 व्यक्तियों की उंगली काटी और उंगलियों की माला पहनने लगा। वर्तमान में जो कोना है वहां पर भगवान बुद्ध ने इसको बंसी निकाल के करुणा मैत्री का संदेश दिया और करुणा मैत्री से ये महास्तवर अंगुलीमाल हो गए और उनकी अस्थियों पर बना हुआ ये स्तूप मुख्य मार्ग पर ही उस समय था जो अंगुलीमाल स्तूप के नाम से जाना जाए। उसे डाकू क्यों कहते थे? डाकू गलत लोग कहते थे, जैसे वो उंगली काटता था तो लोग वो लूटता कुछ नहीं था, किसी व्यक्ति का कुछ लूट हत्याएं करता था नहीं, नहीं केवल उंगली काटता था। अब उस मार्ग ऐसे कोई व्यक्ति मर जाता तो अलग बात। अंगुलीमाल के पिता भगो श्रावस्ती नरेश महाराजा प्रसेनजीत के राज पुरोहित हुआ करते थे। एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने राज दरबार में भविष्यवाणी की कि भगो के पत्नी मैत्राड़ी के पेट में पल रहा बच्चा जैसे ही जन्म लेगा पूरे राज्य में हिंसा फैल जाएगी। जबकि ये बच्चा जब जन्म लिया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम अहिंसक पड़ा। फिर जब ये पढ़ने गया तो पढ़ाई के बाद में गुरु दक्षिणा में 1000 लोगों की हत्याएं मांग लिया, तो हत्या जब ये करने लगा तो ये अहिंसक हो गया। आपने डाकू उंगलीमार के बारे में पढ़ा और सुना होगा, जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। डाकू उंगलीमार की ये है गुफा जो श्रावस्ती में स्थित है। डाकू उंगलीमार का सामना एक बार भगवान बुद्ध से हो गया। भगवान बुद्ध की प्रेरणा से प्रभावित होकर उसने अपराध की दुनिया को छोड़कर बौद्ध भिक्षु बन गया। हृदय परिवर्तन की अनूठी मिसाल है डाकू उंगलीमार की कहानी। हालांकि डाकू उंगलीमार के बारे में जो बौद्ध अनुयायी है वो उसे डाकू मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि डाकू वो उंगली काटने का उसने जो काम गुरु दक्षिणा के रूप में शुरू किया, गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए उसने लोगों की उंगलियां काटकर उसकी माला पहनी। कादरी मसूद, ईटीवी भारत, बहराइच।